नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। पाकिस्तान में आम चुनाव होने में अब एक महीने से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन मुल्क के हालात बद से और ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। महंगाई रॉकेट से भी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। सातवें आसमान पर पहुंची रोजमर्रा की चीजों की कीमतों ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। 15 जनवरी को लाहौर में एक दर्जन अंडों के दाम 400 पाकिस्तानी रुपए के भी पार चले गए। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय अधिकारियों को सरकारी रेट लिस्ट लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इसका प्रमुख कारण लगातार बढ़ती महंगाई है। उदाहरण के लिए प्याज 230 से 250 PKR प्रति किलो पर पहुंच चुका है, जो सरकार की तय की गई 175 पाकिस्तानी रुपए की कीमत से काफी ज्यादा है। ARY न्यूज की रिपोर्ट की माने तो लाहौर में प्रति दर्जन अंडों की कीमत 400 पाकिस्तानी रुपए तक जा चुकी है, जबकि चिकन 615 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो पर बेचा जा रहा है। बीते महीने देश की आर्थिक समन्वय समिति ने राष्ट्रीय मूल्य निगरानी समिति को प्रांतीय सरकारों के साथ नियमित रूप से समन्वय करने का निर्देश दिया था और इसका मकसद कीमतों में स्थिरता लाने वाले जो उपाय हैं उनको लागू करना है। इसके साथ ही जमाखोरी और मुनाफाखोरी से संबंधित मुद्दों का समाधान करना भी इसका मकसद है। ये फैसला वित्त, राजस्व और आर्थिक मामलों के कार्यवाहक संघीय मंत्री शमशाद अख्तर की अध्यक्षता में एक बैठक के दौरान किया गया। इस मीडिया रिपोर्ट की माने तो वित्त वर्ष 2023-24 में नवंबर के आखिर तक पाकिस्तान का कुल कर्ज बढ़कर 63,399 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए पर पहुंच चुका था। PDM और कार्यवाहक सरकार के कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान का कुल कर्ज 12.430 ट्रिलियन PKR से भी ज्यादा बढ़ गया। कुल लोन का बोझ अब 63 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए है, जिसमें घरेलू लोन में तकरीबन 41 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए और इंटरनेशनल लोन में 22 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए शामिल हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की जो एक हालिया रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की लिमिटेशंस के बारे में बताया गया है और ये कहा गया है कि इससे ज़्यादातर इलीट क्लास को फ़ायदा होता है। रिपोर्ट के मुताबिक पड़ोसी मुल्क में गरीबी फिर से बढ़ रही है, जो पाकिस्तान में सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत बदलाव की ज़रूरत का संकेत भी देती है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। पाकिस्तान में गरीबी और महंगाई की इस हालत पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।